हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल डेली सफर। सो फ्रेंड्स, इस वीक हुआ एमटीवी स्प्लिट्स विला में कुछ खास। दरअसल पिछले हफ्ते चार बॉयज को मिला टास्क जीतने के बाद आइल ऑफ फ्लिंग में जाने का मौका, जिसमें थे आगाज अख्तर, ऋषभ जायसवाल, हनी कंबोज और सोहेल। आइल ऑफ विंग में सभी गर्ल्स ने उन चार लड़कों को रोज देना था और जिस लड़के को सबसे कम रोजेस दिए जाएंगे वो वापस चला जाएगा आइल ऑफ मार्स। बाकी तीन को पूरी रात वीनस में रुकने का मौका मिलेगा। और वहीं सोहेल ने अपना रोज आगाज को दे दिया और वो वापस चला गया आइल ऑफ मार्स, क्योंकि उसका कनेक्शन सौम्या के साथ ऑलरेडी स्ट्रांग था। हनी एंड आकाश लीना का कनेक्शन बन रहा था, वहीं साक्षी और ऋषभ का बॉन्ड भी उसी टाइम बना, जिससे वो तीन बॉयज पूरी रात आइल ऑफ वीनस में रुके अपने कनेक्शन के साथ। नाउ नेक्स्ट डे टास्क हुआ मुझे रंग दे, जिसे परफॉर्म किया तीनों आइल ऑफ फ्लिंग वाले कपल्स ने, ऋषभ साक्षी, हनी आकाश लीना और आगाज और आराधना। और आज एक नहीं बल्कि दो कपल्स ने टास्क जीता, वो थे हनी एंड आकाश लीना, आगाज एंड आराधना। और ऋषभ साक्षी टास्क हार गए। आज सब गर्ल्स सेफ थी डंपिंग में जाने से, और वहीं बॉयज थे अनसेफ एक्सेप्ट आगाज एंड हनी। इवेंचुअली डंपिंग जोन में कशिश और उर्फी के बीच बनी मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया गया, जिसे कशिश क्लियर आउट करने में लगे थे, क्योंकि कशिश सभी बॉयज में काफी स्ट्रांग लग रहा था एज अ कंटेस्टेंट। बट एंड में पार कपल्स ने ऋषभ को डंप किया और ऋषभ फाइनली शो से एलिमिनेट हो गए। तो दोस्तों, ऋषभ ऑलरेडी शो में आते ही फ्लिपर के नाम से बदनाम हुए और अपने कनेक्शन के चक्कर में बॉयज से उनका कनेक्शन नहीं बन पाया, जो कि एक रिस्क बन गया था जिसका फायदा बॉयज ने उठाया। तो दोस्तों, ऋषभ का डंप होना जायज था या नहीं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।